अभी कॉलेज में पहुंच चुके हैं भाई, और आकाश, चिराग और धीरज के बीच में हो गया कंपटीशन, पत्थर फेंका, कौन आगे फेंकेगा देखते हैं, भट्टा फेंको भाई। अभी सबसे आगे अपना है भाई, अभी तक तो भाई आकाश का अब रिकॉर्ड हो रहा है। तो सबसे पहले आकाश कौन सा ट्रायल है भाई, सबसे पहले चिराग ट्रायल, आकाश ट्रायल ही रहा है भाई, सबसे पहले आकाश ट्रायल है, और देखते हैं भाई कहाँ पे फेंक पाता है तीनों के बीच में। अब शुरुआत में स्टार्ट है, चलो भाई आकाश आ जा। ट्रैक पर भाई, बिल्कुल ट्रैक पर है। सेकंड चांस धीरज, तू ले ओके, चल भाई। खड़ा है वो ट्रैक पर, ट्रैक तो पीछे धीरज, ट्रैक से पीछे, ट्रैक से थोड़ा पीछे है, एक डंग पीछे बस। ये चिराग शाबाश, वेरी गुड, झाड़ी पार भाई, वो अभी चलिए भैया। चिराग का सबसे पहले है अब तो, चल भाई आकाश, आकाश फिर से एक ट्राई ले रहा है भाई, ट्रैक झाड़ी के जड़ में है, झाड़ी के जड़ में है अभी। अभी भाई सार्थक आ चुका है और अभी चलते हैं घर पे। तो किसा हुआ सार्थक पेपर भाई, तेरा भाई तोता ताने है, तोता ताने देख, ये कदे तोता चापर दी पुड़ान दो हंडे ने। क्या बोला तूने? ये भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया अभी थोड़ी देर पहले, हुआ है शायद। तो क्या भाई गाड़ी तो पूरी खत्म हो गई लगती है, देखते हैं भाई इसको क्या हाल होया इसका। एक बड़े बदासी है ये भाई, देखो पूरी पूरी तरह से खत्म हो गई भाई गाड़ी, तो जीरो डेप्थ में जा गई, जीरो पूरी गई है। क्यों मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी ना, जब मेरी भी अड़ते खत्म हुई थी, अपना तो कॉलेज हट पेपर दे के है। तो किसा चोट चूट तो नहीं लगी ना, थोड़ी ही लग रही है, सच्चा था, था। क्यों करके हो एक्सीडेंट भाई? तो भाई ये तो अपने गुआंढी की गाड़ी है भाई, अभी पता चला। अरे ये देखो पूरी खत्म होगी, ये देखो अंदर से एयरबैग भी ना खुला धीरे जिसका, तो एयरबैग था कौन इसमें ना, सही यार एयरबैग ये रहा, पहली पट लिया। अरे भाई इसके रात ना ये शीशी यही पाट लिया थोड़ी देर पहले, इसका म्यूजिक सिस्टम सारा पाट लेंगे भाई थोड़ी देर पहले इसके। तो भाई ये गाड़ी तो पूरी खत्म हो गई, ये भाई बता रहे थे गोरीपुर का ही है भाई, तो वो बता रहे था जानकार थे, और बता रहे एयरबैग खुले नहीं, तो भाई यहाँ यहाँ चोट लगी है बस थोड़ी सी, एयरबैग थे नहीं आपको पता होगा, बता दिया भाई ने पहले ही। और ट्रैक्टर में लगी भाई पीछे से, और ट्रैक्टर वाला पिया हुआ था दारू। तो अभी तो भाई हम चल पड़े घर की तरफ भाई से बातचीत करके, और अभी कुछ थोड़ा खाएंगे पियेंगे और फिर घर पे जाएंगे। मैं डोमिनोज के सामने, ये धीरज रहा और ये चिराग और मोंटी उर्फ सार्थक। तो अभी चलते हैं डोमिनोज के अंदर भाई, और पिज्जा खाते हैं अपना। अभी भाई फिर से वही अपनी प्रक्रिया शुरू होगी, तो इस चाबी को घुमाएंगे, देख उस साइड रुकिन पूरी, उस साइड तो धीरज लेके आओ, ठीक है? हाँ इस साइड पूरी में, और इस साइड रुकी तो सार्थक है, इतनी ना इतनी इस इस पे घूमेगी बस। अच्छा इतना इस पे घुमा भाई, खूब घुमाई मंदी, घुमा घुमा धीरे भाई। अब देखो मैं किस साइड जाऊं।
देख लो भाई अभी धीरज लेने गया हो भाई पिज्जा, तो ये तो गया नहीं भाई बदतमीज, तो आप ले आता है वो और ये उसकी स्नैप बना रहा है। ये पिज्जा आ गया भाई हमारा, आ तो ज्यादा चीज आई है भाई। पिज्जा खा के आ चुके हैं भाई और आ गया, अब रेस लगी कौन सा पहले आगे बैठेगा। तो हमने हमारी सीट पक्की कर ली है। ओए रुक ये वाली खोल ले, इस वाले के बैठ जाऊं मैं। मजनू कर बैठ जाएगा यार, तो खोल ले नन्नू। ओए मोंटी खोल ना दे तू वाली ले नन्नू जी। भाई मोंटी बैक टू होम गाइस, और अभी भाई कॉलेज में आने के बाद नहा के आ चुका हूँ मैं, और ये देखो डाटी टूटी कटवा ली थोड़ी ही शेव करवा ली। तो भाई थारा भाई कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ, बढ़िया लग रहा होगा शायद। तो और तो भाई जो कि कमांडो में लगा हुआ है आप लोगों को तो पता होगा, उसकी भाई ट्रेनिंग आने वाली थी, तो भाई कल उसकी ट्रेनिंग आ गई। तो भाई आज वो ट्रेनिंग पे गया, तो भाई कुछ वीडियो उसके भाई ने भेजी है, आप वो इन्जॉय कीजिए। हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर डे। और अभी सुबह सुबह बनी है खीर और आलू की सब्जी और रोटी, तो खीर आज भाई अमावस है तो इसलिए बनाइए, तो खाना फिनिश करने के बाद मिलते हैं आपसे। सीट बेल्ट लगा लेते हैं भाई, और मम्मी भी आ गई, मम्मी आप भी लगा लो सीट बेल्ट, और खिड़की बंद कर लो ना फिर वार हो रही है। तो अभी मम्मी को स्कूल में छोड़ के आते हैं, जब तक आप टाइम लैप्स देखिए। कर दे ड्रॉप भाई, मम्मी देखो ये पीछे जा रही, ये देखो बाइक वाला बिल्कुल नज़दीक से निकाल के ले गया। फतेहगढ़ के लोगों की ये खासियत होती है, मतलब थोड़ा सा डांटते नहीं वो बाइक को, मतलब भाई एक तो भाई ये फतेहगढ़ के रोड देखिए आप, यहाँ से तो बहुत ख़राब रोड है ये देखो। अब तो यहाँ पे रेत डाल के ठीक कर दिया, नहीं तो पहले यहाँ पे गाड़ी नीचे टच हो जाती थी, तो अब तो थोड़ा ठीक सा कर दिया इसको गाड़ी को, फिर भी यहाँ से बिल्कुल स्लो स्लो करके और टेढ़ी मेढ़ी करके निकालना पड़ता है। ये देखो आप इस साइड कितने बड़े बड़े खड्डे हैं, यदि कोई अनजान आता है ना रात को तो भाई गाड़ी में डेफिनेटली काम मांगेगी। और ये हमारे पीछे साइलेंसर की आवाज़ नहीं है भाई, डिग्गी के मतलब जो हमने सीएनजी किट लगवा रखी है उसकी साउंड है, तो उसकी साउंड है भाई ये। और ये पहले मैंने भिवानी अब सर्विस करवाई, तो वहाँ पे मैंने ठीक करवा दी थी इसको, परंतु भाई ये यहाँ पे आती है ना तो यहाँ पे ज़्यादा ही आखली मतारी चीज़ फिर से हिल जाती है। ये देखो आप ये भाई यहाँ पे खेतों में पानी इकट्ठा हो गया था जब यहाँ से पानी निकाला था, तो अब तक ये रोड ठीक नहीं किया है, क्या करें भाई। अब तो 3 महीने और आना है फिर मम्मी रिटायर हो जाएगी यहाँ से, तो फिर छुट्टी, फिर गाड़ी का काम आराम से, मेंटेनेंस अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं हो पाती इस रोड पे, बहुत ख़राब रोड है ये। तो अभी चलते हैं घर पे, और ये फोन होल्डर है जो कि आपको दिख रहा होगा, इसको लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसे ही 150 रुपये बेकार कर दिए मैंने। मैंने सोचा था इसके ये लगवाने के बाद फ़ोन को इसमें फ़ोन को सेट करके और फिर वीडियो आराम से बना पाएंगे हम, परंतु ऐसा नहीं हो पाया भाई, क्योंकि इसमें स्क्रीन बहुत कैमरा बहुत हिल रहा है ऊपर नीचे, तो नहीं हो पाएगा ये। तो अभी तो भाई इसको शायद उतारूंगा एक दो दिन में, और अभी तो एक दो वेट करके देखता हूँ। अभी टाइम लैप्स बनाइए तो वो देखिए पहले तो आप जाके कैसी लगी, और फिर कमेंट करके बताना भाई कि इसको हटाऊँ या लगे रहने दूँ। इस भाई साहब को मैंने लाइट दे दी, देखो टिप्पर लिया भाई बिल्कुल ही ज़्यादा भाई यहाँ पे, तो देख लो गाइस ये लोग नहीं डांटते, इनकी तो बड़ी गाड़ी हमारी छोटी है, हमारी गाड़ी के सक्रेच लगते हैं इस साइड से, और इनकी तो कुछ नहीं होता भाई, प्योर लोहा है, और लोहा तो मतलब पेंट इनका तो बाहर सील होता है सारा काम, और हमारी गाड़ी का हल्का ही पेंट उधर जाता है तो भाई बहुत फील होती है, इनको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता होगा शायद, तो ये लोग तो भाई नहीं कर पाएंगे।
और भाई आप बताओ कैसी लगी स्टेबिलिटी फोन होल्डर की। और यहाँ पे देखो भाई कुसुम ने अपना नया स्टडी रूम बना लिया, ये यहाँ पे पढ़ रही है और ये जिम यहीं पे कर लेती है एक्सरसाइज। जिम नहीं कर रही। ये भाई पल्ली, ये भाई हमने अलग कर दी तो यहाँ रहती है। ये हमारे अनाज वाला कमरा है तो इसमें इसको घेर दिया। पढ़ ले, कैमरा ज़्यादा हिल तो नहीं रहा भाई। आईफोन का यही एक फ़ायदा होता है, स्टेबिलिटी को अपने आप ठीक कर लेता है ये। और फ़ोन को मैंने अटैच कर रखा था उसमें तो ये दिख रहा था कि फ़ोन पूरी तरह ऐसे ऐसे हिल रहा था, तो मैंने सोचा नहीं बनेगी बात, पर भाई अच्छी बन गई है। तो अभी तो मैंने सोचा फिर तो स्टैंड को लगा ही रखते हैं, अच्छी स्टेबिलिटी दे रहा है, मतलब टाइम लैप्स बनाने के लिए काम आएगा स्टैंड, वैसे वो लोग तो नहीं बन पाएगा। और यदि आप लोगों को ये वो लोग अच्छा लगा तो आप लोगों को पता ही लाइक शेयर और कमेंट कर देना। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और वो अमित वाली वीडियो डाली थी उसका नया वर्जन जो कि फनी वर्जन है वो आपको देखना है तो इंस्टाग्राम आईडी जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी तो वहां पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो और वहां पे देखना उसकी फनी मोमेंट बनाना कि मैंने डाल रखा है। अभी हम 1400 होने में सिर्फ और सिर्फ 10 सब्सक्राइबर दूर है, जल्दी से 10 सब्सक्राइब करवा दो, 1400 की फैमिली अपनी आज शाम तक हो जानी चाहिए गाइस। चलो मिलते हैं अब एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस बूम।